महा कार्टून टीवी जादुई सफा। कृष्णानगर में सुमिति नाम की एक लड़की अपने पिता रघु सिंह के साथ रहा करती थी। सुमिति की माँ नहीं थी, इसीलिए उसका पालन पोषण उसके पिता ने अकेले ही किया था। रघु अपने समय के हिसाब से काफी पढ़ा लिखा आदमी था। उसे कई बड़े शहरों से स्कूल में पढ़ाने के लिए मौके मिले, लेकिन उसने अपनी ही भूमि पर रहकर वहां के बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया था। सुमिति ने जब अपने पिता की ये बात जानी तो उसे थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि पिता का ये फैसला उन्हें गरीबी की तरफ ले जा रहा था। रघु ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था, लेकिन अपने लिए गए फैसले की वो इज्जत करता था। इसी बात से सुमिति अपने पिता का साथ दे रही थी। समय बीत रहा था, सुमिति भी अब बड़ी हो रही थी। उसकी शादी को लेकर रघु सिंह आए दिन परेशान ही रहा करता था। पिता की परेशानी को देखते हुए सुमिति ने कहा, पापा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है कि आपको मेरी फिक्र रहती है, पर ये सब देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं भी काम करने लग जाऊं? बेटी की ये बात सुनकर रघु सिंह बहुत ही खुश हो गया। उसे अपनी बेटी के फैसले पर बहुत ही नाज हुआ, जिसके बाद उसने पूछा, बेटा तुम नौकरी कहाँ करोगी? पापा मैं कहीं नौकरी नहीं, बल्कि खुद का काम करना चाहती हूँ। अपना काम? हाँ पापा अपना काम। पर बेटा उसमें तो बड़ा ही खर्चा आएगा। नहीं पापा, मैंने सब सोच लिया है, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। पर तुम काम क्या करोगी? मैं खराब पड़े कपड़ों को सही इस्तेमाल कर उन्हें फिर से लोगों के इस्तेमाल करने के लायक बनाऊंगी। अच्छा, मतलब सिलाई बुनाई का ही काम करोगी ना बेटा? ऐसा ही कुछ, लेकिन किसी के कपड़े बुनने का काम मैं नहीं करूँगी, बल्कि खराब पड़े कपड़ों को रिसाइकिल करूँगी। मैं कुछ समझा नहीं। पापा सिलाई बुनाई का काम तो हर कोई करता है, मैं ये नहीं करना चाहती। मैं बेकार और खराब पड़े कपड़ों को ऐसा बनाना चाहती हूँ कि वो कभी लगे ही ना कि खराब थे, उनमें नया डिजाइन देकर उन्हें खूबसूरत बनाऊंगी। वाह, पर बेटा इसमें तो ज्यादा समय और पैसा कम मिलेगा। जी पापा, फिर उसके बाद धीरे धीरे पैसे भी आने लग जाएंगे। सुमिति के विचार से रघु बहुत ही खुश हुआ और उसने अपनी बेटी का साथ देने के लिए हाँ कह दिया। अगले दिन से ही सुमिति ने अपना काम करना शुरू कर दिया। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि सुमिति किस तरह का काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे अलग काम और नई नई वस्तुएं बनाकर सुमिति ने सबको अपना काम करने का तरीका समझा दिया। अब आसपास साथ ही दूर रहने वाले लोग भी सुमिति के पास अपनी खराब साड़ी, पैंट शर्ट या कंबल लाया करते। इन सब का इस्तेमाल कर सुमिति कभी सुंदर सा गाउन, कभी बच्चों के लिए प्यारी सी फ्रॉक, बड़ों के लिए सफर या फिर काम पर ले जाने वाला बस्ता बना दिया करती थी। उसके इस अनोखे काम से सभी बहुत खुश थे। सुमिति का नाम अब दूर दूर तक होने लगा, लोग अब उसे जानने लगे थे। लेकिन अभी भी सुमिति उतने पैसे नहीं कमा पा रही थी जितने उसे कमाने चाहिए थे। ऐसे ही दिन बीते और दिन महीनों में। फिर एक दिन, बेटा सुमिति। हाँ जी पापा। बेटा परसों तुम्हारे चाचा की बेटी की शादी है, हमें वहाँ जाना है, तुम मेरे लिए एक साफा तैयार कर दोगी क्या? अभी मेरे पास पैसे नहीं है, वरना मैं एक कपड़ा लाकर तुम्हें दे देता। ठीक है पापा, मैं बना दूंगी। सुमिति के पास ना ही कपड़ा था और ना ही पैसे, जिससे वो अपने पिताजी के लिए साफा बना पाती। काफी देर तक सोचने के बाद उसने पहले के काम से बचे कुछ कपड़ों को इकट्ठा कर उससे अपने पिता के लिए एक सुंदर सा साफा तैयार किया। साफा देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। सुमिति साफा को हाथ में लेकर देख ही रही थी कि तभी कोई उनके दरवाजे पर आया। क्या कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? आवाज सुनकर सुमिति दरवाजे पर गई।
सामने खड़ी महिला की हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगा और घर में जो भी कुछ बचा कुचा खाना था उसने बाहर खड़ी उस महिला को दे दिया। बेटा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, ये कितना सुंदर है, क्या तू ये मुझे दे देगी? ये मैंने, ठीक है आप ही इसे ले जाइए। सुमिति उस औरत को मना नहीं कर पाई और वो साफा उसे दे दिया, जिसके बाद वो औरत वहाँ से चली गई। लेकिन अब सुमिति को ये परेशानी सताने लगी कि वो अपने पिताजी को क्या कहेगी। इसी सोच में शाम हो गई कि तभी, बेटा सुमिति क्या बात है, ये कितना खूबसूरत है, तूने तो मेरा मन खुश कर दिया। पिता के हाथ में साफा देखकर सुमिति काफी हैरान हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये उसके पिता के पास कैसे आया। सुमिति के पिता ने उसे बताया कि ये उन्हें बाहर दलान पर मिला। ये सुनकर सुमिति को लगा कि शायद उस औरत को इसकी जरूरत नहीं होगी, इसीलिए वो इसे वहाँ वापस रख गई होगी। बात को बुलाते हुए सुमिति शादी में जाने की तैयारियां करने लगी। अगले ही दिन रघु और सुमिति शादी के लिए निकल गए, लेकिन वहाँ पहुंचकर जो उन्होंने देखा वो काफी दुखदाई था। मैं अब इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँ, शादी का खर्चा तो बढ़ता ही जा रहा है, अब मैं ऐसे में हलवाई वाले की पूर्ति कैसे करूँ। अब बात को समझने में रघु को देरी नहीं लगी, उसे पता चल गया था कि शादी का खर्चा उसका भाई रामदास नहीं उठा पा रहा। लेकिन ऐसे में रघु करता भी तो क्या करता, उसके खुद के पास इतने पैसे नहीं थे जो वो अपने भाई को दे सके। लेकिन फिर भी अपनी बचत से उसने अपने भाई की मदद की, लेकिन अब भी पैसे कम पड़ रहे थे। काश मेरे पास इतने पैसे होते जिससे मैं अपने भाई की सारी परेशानी दूर कर सकता। पास में खड़ी सुमिति भी खुद की लाचारी पर तरस खा रही थी। उसे बहुत ही दुख हो रहा था कि वो अपने पिता की मदद नहीं कर पा रही। दुखी मन के साथ रघु और सुमिति एक कमरे में चली गई। रघु अब काफी थक चुका था, इसीलिए उसने अपना साफा उतारा। उसमें नोटों से भरी कई गड्डियां थी। ये देखकर रघु और सुमिति हैरान हो गए। दोनों को समझ ही नहीं आया कि अचानक उनके पास इतने पैसे कहां से आ गए। पापा ये कैसे हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे पैसे, जरूर ये कोई जादू है। हाँ पापा ये जादू है, ये कोई मामूली नहीं बल्कि एक जादुई साफा है। क्या ये क्या कह रही हो? सुमिति ने अपने पिता को सारी बात बता दी, जिसे जानने के बाद भी रघु को विश्वास नहीं हुआ और उसी को जानने के लिए उसने साफे से कई और चीजें मांगी, जिसके मांगते ही रघु के सामने सारी चीजें आ गई। अब रघु और सुमिति को यकीन हो गया था कि ये काम उसी भिखारन का है। दोनों बहुत ही खुश हो गए और रघु ने जाकर वो पैसे अपने छोटे भाई को दे दिए, जिसके बाद शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। बस उस दिन के बाद से रघु और सुमिति को ये विश्वास हो गया कि हमें नेकी करते रहनी चाहिए, भगवान खुद हमारे परिश्रम का फल हमें जरूर सौंपता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।